मथुरा में 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर स्वच्छता अभियान जोरों पर है। यहां पर मंत्री भी सफाई अभियान में आगे आ रहे हैं। मंत्री जी अब खुद अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं और लोगों से मथुरा को पॉलिथीन मुक्त करने की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज ब्रिज भूमि से प्लास्टिक पॉलिथीन मुक्त अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का शुभारंभ महानगर के यमुना किनारे स्थित बंगाली घाट से शुरू किया गया और द्वारकाधीश मंदिर तक अभियान चलाया गया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आम जन मानस से ब्रिज भूमि को प्लास्टिक पॉलिथीन मुक्त बनाने से इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया है और लोग इस पर मंत्री के साथ भी जुड़ रहे हैं। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लोगों का आह्वान किया कि प्लास्टिक से पशुओं और यमुना को जो नुकसान हो रहा है, इसलिए पॉलिथीन का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की अहम योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह अभियान चलाया गया और आगे भी जारी रहेगा। ये देशवासियों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जैसी शख्सियत हम देशवासियों को मिली है और पहले दिन से ही उन्होंने इस स्वस्थ भारत का बीड़ा उठाया और उनका मकसद है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और जिस तरह से पर्यावरण लगातार दूषित हो रहा है, हमारे स्कूल के बच्चे, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ, हम सबका ये सामाजिक दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम स्वच्छ पर्यावरण दें, स्वच्छ उनको पानी दें, स्वच्छ उनको हवा दें, प्रदूषण मुक्त उनको एक वातावरण हम लोग दें। ये सब हम लोगों का नैतिक दायित्व है और इसीलिए एक बड़े आह्वान पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी की 150वीं जयंती को लक्ष्य रखते हुए एक अभियान का शुभारंभ किया, एक जन आंदोलन के रूप में वो चला और अब 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हम ब्रिजवासियों के बीच में आ रहे हैं। और 5 साल प्रधानमंत्री जी ने दिया ही दिया है, अब एक अपील करने आ रहे हैं। हम सबसे अपेक्षा उनकी है कि हम सब उनको पॉलिथीन मुक्त, प्लास्टिक मुक्त भारत का जो संकल्प है उसमें हम सहभागिता अपनी दें। भारत 84 कोस को हम प्लास्टिक और पॉलिथीन से मुक्त रखें, माँ यमुना को हम दूषित ना करें, पॉलिथीन से हमारी जो गाय है वो बीमार होती है, हमारी माँ यमुना है वो बीमार होती है, वो दूषित होती है, तो इसका एक हम संकल्प लेते हुए पूरे ब्रिज में आह्वान कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश का लोगों का आह्वान करेंगे। तो हम सब अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद के रूप में पॉलिथीन मुक्त और प्लास्टिक मुक्त ब्रिज का संकल्प लेकर उनको हम अपना आशीर्वाद दें। अभी मंत्री जी, जैसे कि बच्चों ने भी इसमें भाग लिया है, तो बच्चों को क्या संदेश दिया गया? बच्चे ये जो आज के जो बच्चे हैं, आज के जो स्कूली छात्र हैं, ये कल का भारत का भविष्य है और अगर घर से ही हमको शुरुआत करनी है और घर में हम जब बच्चे हमारे जो आज हमारे साथ इस मुहिम में है वो संकल्प लेंगे कि हम पॉलिथीन नहीं उपयोग करेंगे, हम प्लास्टिक उपयोग नहीं करेंगे, हम स्वच्छ भारत अभियान में सहभागी बनेंगे, तो ये आने वाले समय में हमारा भारत स्वच्छ होगा और स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।